पहले नहीं देता अजीत रोलिंग क्या क्या हुई रोल रोलिंग वेट एक्शन आओ 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 ओके यहां पे अरे इधर देखो हां बस हो गया पीछे रहो सब चेक किया ठीक है करेक्ट कर लिया हां बस और अचानक से कहाँ चले गए थे तुम लक्ष्य कम से कम बता के तो जाते चाहे कृष्णा के काम से जा रहे हो फिर भी ध्यान तो लगा ही रहता ना जगह देख ली कैसी है देख रहे हैं आपको आप कंफ्यूज होल्ड छोटा चाचा बोलो अरे जावेद रोल रोल देख रहे अक्षरा बोली उस से पापा कुछ पूछ रहे डुब्बू सब लोग घर में परेशान हो ही गए थे ना लक्ष्य कौन सी नई बात है पापा बोल कौन सी नई बात है पापा परेशान तो वैसे भी है वो और सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं और भी लोग हैं परेशान करने वाले और भी लोग हैं परेशान करने वाले एक क्लोज में उधर से टर्न होना बाबू रोलिंग रुक रुक क्लोज में टर्न होना इधर अक्षरा देखो उधर रोलिंग शार्प टर्न रोलिंग और भी लोग हैं परेशान करने वाले कंटिन्यू चला गया निकल के ये क्या बोल के गया क्या मतलब है इसका भाभी मामा अरे कुछ नहीं मुन्ना छोड़ ना थका हुआ है छिड़ रहा होगा बोल रही है हाँ हाँ ये क्या बोला इसने क्या मतलब था उसका कुछ नहीं मुन्ना छोड़ ना थका हुआ है छिड़ गया होगा कट ये मार गोगा भी है नहीं गोगा नहीं रोल जाओ रोलिंग एक्शन कुछ बोलना चाहे बोल दे सॉरी अशोक सो गया था थक गया था शायद प्लीज साइलेंस रोलिंग एक्शन सॉल्यूशन
आपसे बढ़कर और कोई नहीं खुश है। पढ़ना परेशान क्यों लग रही है वो डुग्गू? अभी तक नहीं आया भाभी, मैं फोन भी नहीं किया कल से। बहू बेटा तो ऐसे परेशान क्यों लग रही है? वो डुग्गू अभी तक नहीं आया भाभी माँ, फोन भी नहीं किया कल से उसने। लक्ष्मी वाला फोन की बैटरी खत्म हो गई तो मम्मा इसलिए। चल क्या है कि खड़ा हुआ सामने? अरे बुआ आपका भाई। एक आ हग वग किया जाके उससे मिला मिला लक्ष्मी जी। सुबह सुबह मैं तो सोचा था कि सबको सरप्राइज दूंगी, यहाँ पर आधे घर तो सो रहे हैं और आधे लोग गायब हैं। सॉरी बुआ, वो मैं ना किसी अर्जेंट काम से ना गया हुआ था। इट्स ओके, मैं तो मजाक कर रही थी। अक्षरा बोले तुम सोए नहीं क्या रात में डुग्गू? हाँ, क्या हाल बना रखा है चेहरे का लल्ला। सॉरी, हाँ लल्ला, क्या हाल बना रखा है चेहरे का? और ऐसा क्या काम था वो भी इतना अर्जेंट? अक्षरा बोले कि हाँ डुग्गू, थे कहाँ तुम रात बना? अरे माना कि बड़े हो गए हो पर अभी भी पूछने का हक है हमारा। बेटा कुछ खाया पिया है कि नहीं? लक्ष्मला की वो मैं एक फ्रेंड के देखा, नैतिक भी आया। ये अचानक उठ के कहाँ चले गए थे? अरे बता कर तो जाते कम से कम। हाँ कृष्णा के काम से भी गए तो ध्यान तो लगा के किया होगा, पर देख कर आए जगह पे कैसी जगह है वो? देखा चुपचाप है। अक्षरा बोली पापा कुछ पूछ रहे डुग्गू तुमसे। हाँ नैतिक बोले सब लोग कितना परेशान हो गए थे तुम्हें। लक्ष्मला की कौन सी नई बात है पापा, परेशान तो वैसे भी हैं और सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं, और भी लोग हैं परेशान करने वाले। चला गया हो? नैतिक बोला ये क्या बोला इसने, क्या मतलब था उसका? रहने थे ना मुन्ना, रात भर सोया नहीं है ना, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। रहने थे ना मुन्ना, रात भर सोया नहीं है ना, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। काम काज किए सार में सामान वामान उठाया आपने? बोले बहू चले, हल्दी का समय हो रहा है और ये नायरा और मिष्टी कहाँ है? चलो 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 बेटा। बहू चले बेटा, हल्दी का समय हो रहा है और ये नायरा और मिष्टी कहाँ है? नायरा मिष्टी चलिए भाभी मम्मी चलते, चलो बच्चा। अरे वो डब्बा खुला हुआ दिख रहा है ऊपर। बहू अब चले, हल्दी का समय हो रहा है और नायरा और मिष्टी पानी बहू अब चले, हल्दी का समय हो रहा है और ये नायरा मिष्टी कहाँ है? नायरा मिष्टी चलो 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 बच्चे। हाँ हाँ बस चल रहे हैं, ये भी जरूरी है इसीलिए किया। अरे मैं पूछी क्या हुआ बहू, तुम परेशान लग रही हो? अक्षर डुग्गू अभी तक नहीं आया भाभी, मैं फ़ोन भी नहीं किया कल से। लक्ष्मला की फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी मम्मा इसलिए। देखा चल के पास में आया, आपको देखा। अरे बुआ आपका भाई किया और किया। सुबह सुबह आई, मुझे लगा कि यहाँ के सबको सरप्राइज दूंगी, लेकिन यहाँ तो आधा घर सो रहा था और आधा घर बाहर था। लक्ष्मला सॉरी बुआ, वो मैं इट्स ओके, मैं तो मजाक कर रही हूँ ना। अक्षर तुम सोए नहीं क्या रात भर डुग्गू? देखा भाभी वाली का, हाँ देखो ना क्या हाल बना के रखा चेहरे का। दिव्यानी वाली ऐसा क्या काम था इतना जरूरी? हाँ अक्षर हाँ डुग्गू तुम थे कहाँ रात भर? अरे मैंने माना कि बड़े हो गए पर अभी भी ना पूछने का हक तो है ना हमारा। भाभी वाला कुछ खाया पिया कि नहीं? लल्ला नक्श बोला कि वो मैं एक ना फ्रेंड के घर पे देखा, पापा आ गए वहाँ से, नैतिक आया, चल के आके खड़ा हुआ, तुम उठके अचानक चले गए, बता के तो जाते कम से कम, कृष्णा के काम से तो गए तो ध्यान तो लगेगा रहता है ना बेटा तुम्हारा। देखा है जगह कैसी है? अक्षर पापा कुछ पूछ रहे तुमसे डुग्गू, सब लोग इतने परेशान हो गए थे नक्श। देखा नक्श बोला कौन सी नई बात है, परेशान तो वैसे भी रहते हैं और सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं, और भी लोग परेशान करने वाले, बोल के चले गए। अरे ये क्या बोला इसने? मैं तो बोले ये क्या बोल के गया, क्या मतलब था उसका भाभी वाला? अरे कुछ नहीं मुन्ना, छोड़ ना, थका हुआ है, चिड़ रहा होगा। देखा आपस में सब लोग सामान वान उठाए, आँस उठाना शुरू किए। भाभी बोली बहू
चले हल्दी का समय हो गया, ये बच्चे भी नहीं आए। नायरा मिस्टी चलो बेटा, आप भी तो छुटाई। वाह जीतू जी, पैसे उड़ाओ इसके ऊपर, लकीर का पैसे उड़ा दे, मार दे। सब डांस कर रहे हैं, क्लैप करते रहो। पैनिंग पैनिंग ट्रेडिशनल पैनिंग आ गया। आई डोंट नो, नहीं सुबह हो गया दादा, हो गया, हो गया मत, हो रोलिंग एक्शन। अरे क्यों तो ब्रो से हो गया, मतलब डांस हो गया। रोलिंग रोलिंग एक्शन हुआ, फाइनली डांस हुआ, क्लैप कर रहा। यहां से बाकी बची गई, बची गई उधर से आवाज है मिष्टी। अरे ताऊ जी का शर्ट खराब कर दिया तूने, मम्मा बोलते हैं कि हल्दी का। हां इधर ही एक्शन। अरे ताऊ जी का शर्ट खराब कर दिया तूने, देखा खून है, हल्दी का दाग लगा दिया। पापा ने पापा पापा बोले इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, वॉश करेंगे हम। देखा तो कुछ तो चल रहा है इनके बीच में। वेरी नाइस, नॉर्मल हो जा पहले वाला मोड। एक बार ब्लॉक से जाना और एक बार ब्लॉक में। शादी अटेंड करने आई हूं और सोचा कि सबसे मिल भी लूंगी, और आप लोग एक ही काम ही खत्म नहीं कर रहे। इस सीन में तो अभी अनन्या की हल्दी है भैया, आज हम जा रहे हैं वहाँ पे तैयार होकर। ये देखो सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हैं, हमारी प्यारी अनन्या का ब्याह हो रहा है उसी लड़के से जिसने पहले अनन्या से ब्याह करने के लिए नाराज़ी दिखाई थी। और ये हमारी रश्मि, रश्मि भी आई है अनन्या के ब्याह के लिए, और हम सब तैयार होकर जा रहे हैं अनन्या की हल्दी के लिए। कुछ स्पेशल प्रिपरेशन है अनन्या के? जो प्रेपरेशन हम हर शादी में करते हैं सिंघानियाज महेश्वरी मिलके, जो सारी रस्में करते हैं एक दूसरे मिलके, नाच गाना जो होता है जो सदियों से करते आ रहे हैं, वही हमने किया है। वो हमारे लिए स्पेशली होता है। हाँ मैम, देखा जाए तो बच्चे के साथ में काम करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है बोला जाता है। इस सीरियल में भी एक बच्ची है? इस सीरियल में एक बच्ची नहीं है, इस सीरियल में बहुत बच्चे हैं। और अब हम इन बच्चों के साथ काम करते करते बच्चों के साथ काम कैसे करना सीख गए, और बच्चे भी हमारे साथ काम कर करके बड़ों के साथ काम करना सीख गए थे। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मज़ा आता है हमें बच्चों के साथ काम करना, अभी तो यूज्ड टू हो गए हैं सारे बहुत। हाँ सो इट्स फन। तभी भी नहीं है, नहीं। वो बहुत स्मार्ट है बच्चे, सब समझ जाते हैं अच्छे से, सो ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये रिश्ता आप देखते रहिए, आप देखते रहे हैं, इसलिए 8 साल हम लगातार काम करते रहे हैं, आपकी मेहरबानी ऐसी बरकरार रहे। यस, प्लीज़ देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैम फर्स्ट अपना नाम बताइए, उसके बाद में बोलेगी फर्स्ट इंडिया को देखने वाले सिंगर। मैं हूँ ये रिश्ता की भाभी माँ, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को सॉरी, मैं हूँ ये रिश्ता की भाभी माँ, फर्स्ट इंडिया के सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को फर्स्ट नेम, सॉरी पहले नेम।